जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिशू के बारे में। गाइस, टिशू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिशू। कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर ऊतक के बारे में जानेंगे। ऊतक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशी ऊतक, मसल टिशू। दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिशू। तीसरा होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिशू। और चौथा होता है उपकला ऊतक, एडिपोस टिशू। तो गाइस, ये होते हैं टिशू के प्रकार, ऊतक के प्रकार। तो गाइस, अब यह जो पेशी ऊतक होता है यह हमारे मसल्स में पाया जाता है, हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। पेशी ऊतक के द्वारा हमारी मांसपेशियाँ बनी होती हैं, और ये जो मांसपेशियाँ होती है हमारे बॉडी को सुडोल व अच्छा बनाती हैं, पेशी मांसपेशियाँ। तो गाइस, अब आइए हम लोग मसल्स टिशू के बारे में जानते हैं। तो गाइस, जो मसल्स टिशू होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखी, जिसे बोलते हैं यूडेंट्रा। दूसरा होता है आरेखी, जिसे बोलते हैं इन्वेंट्री। इसके बाद तीसरा होता है हृदय पेशी, जिसे बोलते हैं कार्डियक्स मसल। तो गाइस, अब जो यह रेखी टिशू होता है यह क्या होता है? तो जो रेखी टिशू होता है यह हमारे हाथों में पाया जाता है। और गाइस, इसके साथ साथ जो रेखी टिशू होता है इसे हम लोग ऐच्छिक टिशू भी बोलते हैं। गाइस, इसे ऐच्छिक टिशू को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हमारे मन के हिसाब से, हमारे तरीके से कार्य करता है। क्योंकि गाइस, यह जो होता है रेखी टिशू यह हड्डियों से जुड़ा रहता है। जैसे हम लोगों का हड्डी यहाँ पे, हम लोग मन करें ऐसे ऐसे इसे हिलाएं, या हमारे अंगुलियों में हम लोग ऐसे करें, तो गाइस यह जो है हमारे मन से कार्य कर रहा है। और गाइस, यह हड्डियों से जुड़ा रहता है या हमारे अपने तरीके से कार्य करता है। इसके साथ साथ गाइस, यह जो होता है इसमें थकान लगता है। ये जो रेखी टिशू होते हैं, जो रेखी टिशू के द्वारा बना होता है अंग, उसमें थकान लगता है। और वो जो थकान लगता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण लगता है। गाइस, जो इसमें थकान लगता है वह लगता है लैक्टिक अम्ल के कारण। जब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के मसल्स में जमा हो जाते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ थक जाती हैं। यह प्रक्रिया होती है रेखी मांसपेशियाँ में, जो रेखी ऊतकों के द्वारा मांसपेशियाँ बनी होती है उसमें ये प्रक्रम होते हैं। क्या क्या? पहला तो ये हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, दूसरा ये थक जाती हैं, और गाइस तीसरा इनमें थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और गाइस, इसके बाद इसमें आता है दूसरा इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी टिशू, ये मिलकर मसल का निर्माण करते हैं। तो गाइस, इनवॉलंटरी टिशू क्या होता है? यह आरेखी, इसे हम लोग अनैच्छिक भी बोलते हैं। अनैच्छिक भी बोलते हैं। गाइस, इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हमारे तरीके से, हमारे माइंड के हिसाब से कार्य नहीं करता है। जैसे गाइस, मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं, भोजन गया हम लोगों के आमाशय में। तो गाइस, इसके एग्जांपल के बारे में पहले बात कर लें। तो गाइस, इसके जो एग्जांपल होते हैं, हमारा यकृत हुआ, हमारा आमाशय हुआ, छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ। तो गाइस, इसके एग्जांपल हैं अनैच्छिक के, या जो होता है आरेखीय टिशू के एग्जांपल है हमारा आंत हुआ, छोटी आंत हुआ, हमारा अग्नाशय हुआ, आमाशय हुआ, यकृत हुआ, ये सब इसके पार्ट है। क्यों है? क्योंकि गाइस, यह जो है अनैच्छिक टिशू कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह हमारे हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से कार्य नहीं करता। जैसे गाइस, हम लोग भोजन किए, अब हम लोग कह दें कि भोजन को 10 बजे रात को पकाना है, तो गाइस ऐसा नहीं है कि यह भोजन को 10 बजे रात को पकाएगा। यह भोजन गया तुरंत मुख से इसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो गाइस, यह अंतर होता है रेखी व आरेखी में। रेखी को ऐच्छिक मांसपेशी बोलते हैं, यह हमारे मन के हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से कार्य करता है, इसे हम लोग हिला डुला सकते हैं और यह थक सकती है। और जो आरेखी होती है, गाइस यह कभी भी नहीं थकती है।
जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, जब से हम लोगों का निर्माण हुआ तब से हमारा हार्ट लगातार कार्य कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रात में सो जाते हैं हमारा हार्ट भी सो जाता है, हमारा किडनी भी सो जाता है, छोटी याद बड़ी याद तमाम से सब सो जाते हैं। नहीं गाइस, ये नहीं सोते हैं, बल्कि ये निरंतर कार्य करते हैं। जो अनैच्छिक या आरेखी इन्वॉलेंट्री टिश्यू होते हैं, इनके द्वारा जिस पेशी का निर्माण होता है ये लगातार कार्य करते हैं, और जो रेखी होता है ये थक जाते हैं। इसके बाद गाइस इसमें तीसरा है हृदयक, यह आरेखी का ही भाग है। गाइस जो हृदयक होता है इससे हम लोगों का बना रहता है हमारा हार्ट, जो हमारा हृदय होता है इसी से बना रहता है गाइस, हृदय पेशी से। ये हृदय पेशी हमारे हार्ट के चारों तरफ घेरे रहते हैं तथा ये ब्लड को पंप करने के काम में आते हैं। तो गाइस इन तीनों पेशियों के द्वारा हमारा मिलकर क्या बनता है, पेशी ऊतक। तो गाइस आप लोग समझ गए। इसके बाद गाइस हम लोगों का दूसरा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, जिससे हम लोगों का दिमाग बना रहता है, न्यूरॉन को ही तंत्रिका बोलते हैं। इससे हम लोगों का दिमाग बना रहता है, दिमाग में जो हम लोगों के सभी प्रकार की प्रतिवर्ती व अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं यह सब यही सूचना प्रदान करता है पेशियों के द्वारा। जैसे मान लीजिए गाइस हम लोग रात में कहीं जा रहे हैं, तो गाइस जैसे रात में कहीं जा रहे हैं अगर कोई भी जीव हमारे पैर के नीचे पड़ता है तो यह तुरंत सूचना देता है माइंड को। किसके द्वारा मिलता है, वह मिलता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है तुरंत हमारे माइंड को आदेश देता है, जिससे हम लोगों का जो भी अंग उस जीव के ऊपर पड़ा रहेगा उसे तुरंत हम लोग झटके से हटा लेते हैं। तो गाइस इस प्रकार के ऊतक के द्वारा हमारा दिमाग बना रहता है। इसके बाद गाइस इसमें नेक्स्ट है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो गाइस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये इसमें होता है रक्त, लसिका, ब्लड व लिम्फ। क्योंकि गाइस जो हमारा ब्लड होता है यह हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, और जो लसिका है लसिका में ही हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, लसिका में ही हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे गाय चाय में चाय पत्ती मिला रहता है वैसे ही लसिका में जो होता है हमारा ब्लड मिला रहता है। तो गाइस यह हमारे पूरे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करे रहते हैं, क्योंकि यह जो ब्लड होता है यह हमारे शरीर में पूरी जगह फैला होता है, और लिम्फ भी इसमें पीले पीले होते हैं पूरी तरह हमारे शरीर में फैले रहते हैं। तो गाइस यह हमारे शरीर में कनेक्ट का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। इसके बाद गाय जाता है इसमें हड्डी, जो हड्डी होता है यहाँ पर है हड्डी, हमारे यहाँ पर है हड्डी, हर जगह हड्डी है। तो जो हड्डी है यह किसके द्वारा बना हुआ है, संयोजी ऊतक के द्वारा। संयोजी ऊतक के द्वारा हमारा हड्डी बना हुआ है, जो हमें खड़ा होने में, चलने में, विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को पूरा करने में मदद करता है। इसके बाद गाय जिसका नेक्स्ट है उपास, जो उपास बना होता है यह भी संयोजी ऊतक का बना होता है। गाय जो उपास हड्डियाँ क्या होते हैं, जैसे हमारे नाक की हड्डियाँ इसे हम लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, हमारे कान की हड्डियाँ इसे हम लोग मोड़ निचोड़ सकते हैं। तो गाय यहाँ पर जो है हमारी जो जो हड्डियाँ हैं उसे उपास हड्डियाँ कहते हैं। तो यह जो हम लोगों का बना है यह संयोजी ऊतक के द्वारा बना है। तो गाय जैसे पूछते हैं संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल, तो हो जाएगा ब्लड लिम्फ, इसके बाद हड्डियों में तो हड्डी, उपास्थि हड्डी, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू। तो गाइस जो उपकला ऊतक होता है इससे हम लोगों का फैट बना होता है, हम लोगों का वसा बना होता है। गाइस जब वसा का क्या काम है, जो वसा होता है यह हमारे बॉडी को सुंदरता प्रदान करता है। जैसे जिनके पास वसा अत्यधिक होता है वो लोग मोटे ताजे होते हैं। इसके साथ साथ जो हम लोगों का फैट होता है या हम लोगों को चोट से लगने से जो चोट लगता है उससे हमारी मदद करता है। क्योंकि गाइस जो वसा अत्यधिक मात्रा में रहेगा जब चोट लगेगी तो जो हम लोगों का वसा है वही उसे रोक लेगा, उसे हड्डियों तक नहीं जाने देगा। इसके साथ साथ गाइस जो वसा होता है यह हमें ठंड से बचने में मदद करता है, ठंड को रोकने में मदद करता है। तो गाइस पाला या तो हमें सुंदरता प्रदान करने में मदद करता है, दूसरा या जो होता है फैट होता है जो या चोट से लगने में मदद करता है, इसके साथ साथ यह जो फैट होता है जो वसा होता है पाला तो यह चोट से लगने में, और दूसरा सुंदरता प्रदान करने में, तीसरा जो ठंडी लगती है ठंड से बचने में। गाइस आप लोग देखे होंगे अक्सर महिलाएँ ठंडी में
स्वेटर नहीं पहनती है, वैसे कान को खोले रखकर चलती है। क्यों गाइस? क्योंकि उनमें जो होता है वसा की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण उन्हें ठंड बहुत ही कम लगती है। और जो पुरुष होते हैं मोमफ्लर, इसके बाद टोपी, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के द्वारा अपने शरीर को ढके रहते हैं, फिर भी उन्हें ठंड लगता है। क्योंकि जो पुरुष होते हैं महिलाओं की अपेक्षा उनमें वसा बहुत ही कम होता है और महिलाओं में अधिक होता है। इसीलिए गाइस महिलाएं ठंडी के महीने में उन्हें ठंड नहीं लगती है महिलाओं को, और पुरुष को अत्यधिक ठंड लगती है। तो गाइस आप लोग जान गए वसा के बारे में। इसके बाद गाइस जो हंच होता है, जो आप लोग देखे होंगे ऊँट के ऊपर का जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये ऊँट का शरीर है, यहाँ पर ऐसे उठा हुआ रहता है कूबड़। तो गाइस कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जल भरा होता है, नहीं गाइस यहाँ पर जल नहीं अपितु यहाँ पर वसा भरा हुआ होता है। ऊँट के कूबड़ में वसा भरा हुआ होता है। तो गाइस जो वसा होता है वह ऊँट के कूबड़ में पाया जाता है। इसके बाद गाइस है नेक्स्ट पेट। जैसे गाइस आप लोग देखे होंगे जो लोग काफ़ी मोटे हो जाते हैं उनका जो पेट होता है वह काफ़ी निकल जाता है। वह पेट किस लिए निकलता है? क्योंकि गाइस वहाँ पर जो फैट की मात्रा है, जो वसा की मात्रा है, वह अत्यधिक हो गई है। अगर आप लोग उनको 10-15 दिन तक खाना भी ना देना है तब पर भी जो उनका वसा है वह कम नहीं होगा। गाइस इसको कम करने के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए तथा उसके उचित इलाज से जो है मोटापा व्यक्ति को कम किया जा सकता है। गाइस फैट की वजह से व्यक्ति में मोटापा नामक बीमारी होती है, जिससे व्यक्ति अत्यधिक मोटा हो जाता है, उसे चलने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसके बाद गाइस जो झुर्री होता है, ये जो झुर्रियाँ होती हैं ये हमारे चेहरे के या हमारे त्वचा के निचले भाग में पाई जाती हैं, हमारे त्वचा के आंतरिक भाग में स्थित होती हैं। तो गाइस ये हमारे त्वचा के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं जब व्यक्ति 50 साल या 60 साल की एज में आता है। जब व्यक्ति 50 साल या 60 साल के एज में आता है तो ये जो होता है, जो झुर्रियाँ होती हैं ये त्वचा के नीचे से हट जाती हैं। और ये झुर्रियाँ किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक, एडीपोज टिश्यू के द्वारा बनी होती है। तो जब ये नष्ट हो जाती है तो आप लोग देखते हैं जो बुढ़ापे लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ऐसे चमड़ा ऐसे एकदम सिकुड़ जाता है। क्यों गाइस? क्योंकि उनमें जो झुर्रियाँ होती हैं वो पड़ जाती है, उनके त्वचा के आंतरिक भाग से जो उपकला ऊतक होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। और गाइस यही जब व्यक्ति यंग रहता है, चाइल्ड रहता है, बच्चा रहता है, नवयुवक रहता है, तो उनमें यह पूरी तरह से बनी रहती है, जिसके कारण उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। इनका भी गाइस एक समय होता है, जैसे जैसे व्यक्ति के समय होता है वह 40 से 50 साल 60 साल तक जाता है तो ये जो उपकला ऊतक होते हैं ये त्वचा के नीचे से हट जाते हैं। तो गाइस उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।